नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आपके साथ मैं हूं अक्षय विधवा। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल में पढ़ाई का गिरता स्तर हमेशा चर्चाओं का विषय बना रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ड्रीम प्रोजेक्ट सीएम राइज स्कूल शिक्षा की लालसा के लिए विद्यार्थियों के लिए किसी सुनहरे सपने या सरल शब्दों में कहें तो किसी वरदान से कम नहीं लग रहा था। लेकिन तकदीर के मारे और सिस्टम के सताए इन बच्चों के लिए सीएम राइज स्कूल अब किसी अभिशाप से कम नहीं है। ऐसा हम नहीं बल्कि सरकार के अपने ही लोग कह रहे हैं, और क्यों कह रहे हैं वो इस रिपोर्ट में देखिए। अंग्रेजी की पढ़ाई खुलकर लुटाई, सीएम राइज स्कूल की काली सच्चाई। आखिर सीएम के सपनों का सौदागर कौन? कौन फेर रहा मुख्यमंत्री की मंशा पर पानी? जी हाँ, मध्य प्रदेश में दिल्ली से बेहतर सरकारी स्कूल बनाने और गरीब तबके के बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा मुहैया कराने के मकसद से सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने पूरे प्रदेश में 276 सीएम राइज स्कूल खोलने का ऐलान किया था। दावा तो ये भी किया गया कि इन स्कूलों में गरीब के बच्चों के बेहतर भविष्य का ताना बाना बुना जाएगा, लेकिन तमाम दावे हवा होते जा रहे हैं। जब यहाँ पढ़ने आने वाले बच्चों से सुविधा और पढ़ाई के नाम पर भारी भरकम फीस की वसूली की जाती है, आलम यह है कि कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए वरदान कही जा रही ये स्कूलें अब उन बच्चों के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं है। ये हम नहीं कह रहे बल्कि मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान बीजेपी विधायक कृष्णा गौर की तरफ से लगाए गए सवालों ने सीएम राइज स्कूल को लेकर बड़ा खुलासा किया। आइए आपको समझाते हैं कि क्या है पूरा मामला। क्या राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा महोदय ये बताने की कृपा करेंगे कि शासकीय महात्मा गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय BHEL बरखेड़ा भोपाल में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने वाले छात्रों से 2000 रुपए प्रति छात्र अतिरिक्त राशि CMS स्कूल के नाम सत्र 2021-22 में वसूली जा रही है? यदि हाँ, तो राज्य शासन अथवा वरिष्ठ कार्यालय से अनुमति दिए जाने की आदेश प्रति उपलब्ध कराई जाए। क्या प्रश्न का में उल्लेखित वसूली गई राशि का उपयोग अतिथि शिक्षकों को मानदेय अथवा वेतन दिए जाने के लिए उपयोग में लाया गया? यदि हाँ, तो क्या उक्त विद्यालय में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति राज्य शासन द्वारा निर्धारित नियम के अनुसार की गई है? यदि नहीं, तो दोषी शासकीय सेवक के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है? अब सुनिए मंत्री इंदर सिंह परमार ने लिखित में क्या जवाब दिया। जी नहीं, अपितु दिनांक 1/6/2021 को शाला प्रबंध समिति की बैठक में निर्णय उपरांत अंग्रेजी माध्यम के छात्रों की शिक्षण व्यवस्था हेतु 2000 रुपए प्रति छात्र शाला विकास शुल्क के नाम पर लिया गया, जिसका उपयोग अतिथि शिक्षकों के भुगतान एवं विद्यालय की अन्य व्यवस्थाओं के लिए किया गया। तो सुना आपने क्या है पूरा मामला? जबकि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले ये बच्चे किस वर्ग से आते हैं ये किसी से छुपा नहीं है। इनमें से कई बच्चों के माता पिता को 2 जून की रोटी के लिए भी काफी संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन शासकीय महात्मा गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय BHEL बरखेड़ा के प्रबंधकों का ये फरमान छात्रों के सुनहरे सपनों को किसी काली कोठी में बंद करने के लिए मजबूर कर रहा है। वहीं इस स्कूल की मुखिया तर्क देते हुए स्कूल प्रबंधन के निर्णय को छात्र हित में बता रही है। तो शाला विकास समिति जो है, जिसकी हम लोग को है कि उसके माध्यम से जो है हम बच्चों की फीस लेके और बच्चों को जो इंग्लिश मीडियम के टीचर्स को हम अपॉइंट करके और उनकी जो है पढ़ाई में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, तो छात्र हित में ध्यान रखते हुए हम लोगों ने बच्चों से फीस ली थी और उसका हमने उपयोग अतिथि शिक्षकों को पे करने में रखा। वहीं शिक्षाविद सरकारी स्कूल में अंग्रेजी की पढ़ाई के लिए प्रति छात्र 2000 की वसूली को नियम विरुद्ध बता रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं, सरकार का या ऑफिसों का या वरिष्ठ अधिकारियों का ऐसे कोई सर्कुलर हमने आज तक नहीं देखे हैं कि फीस वसूली जा रही है, और यदि फीस वसूली जा रही है तो वो तो बहुत ही गलत है। वहीं इस मामले को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी नितिन सक्सेना से बात करने की कोशिश की गई तो वो कैमरे के सामने आने से बचते हुए नजर आए, और समय देने के बावजूद उन्होंने इस गंभीर विषय पर बात करना जरूरी नहीं समझा। सर, अतुल शर्मा बात कर रहा था स्वराज एक्सप्रेस न्यूज से। सर मैं कल से आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे एक वर्जन लेना, एक बाइट ले रही है सर आपकी। सीएम ऑफिस नहीं पाए ना बिलावंग में, मुझे सीएम राइज स्कूल को लेके एक बाइट लेनी है। BHEL में सीएम राइज स्कूल चल रहा है जिसमें इंग्लिश मीडियम बच्चों की पढ़ाई के लेके 2000 रुपए फीस ली है,
विधानसभा में सवाल लगाया गया था कृष्णा गौड़ जी ने, शिक्षा मंत्री ने उसके जवाब में लिखित में दिया है कि हाँ वो फीस लिए, तो ये वर्जन मुझे आपसे लेना है। ठीक है, तो अभी मैं पहुंचता हूँ तो ले लूंगा। सर कितनी देर में मैं बुला लेता हूँ, अभी पहुंचता हूँ ऑफिस तो 5 बजे के बाद। हाँ हाँ बुला लूंगा मैं। ठीक है सर। वहीं सीएम राइज स्कूल के नाम पर चल रही वसूली की खबर सामने आने के बाद कटघरे में खड़ी अपनी सरकार को बचाने में जुटी बीजेपी विधायक कृष्णा गौर विधानसभा में लगाए गए अपने ही सवाल से किनारा करती नजर आई। पूरा मामला मध्य प्रदेश में सीएम राइज स्कूल से जुड़ा हुआ है और राजधानी भोपाल के स्कूल को लेकर जिस तरीके से कृष्णा गौर ने सवाल उठाए हैं सीएम राइज स्कूल को लेकर बात उस पर हो रही है। मेरे हाथ में प्रश्नोत्तरी है विधानसभा की 2022 सितंबर विधानसभा सत्र मानसून जो मौजूदा हालत में चल रहा है, पेज नंबर 65 पे आप देख सकते हैं मेरे हाथ में वो सवाल है इस समय मौजूद, जिसमें बीजेपी की विधायक कृष्णा गौर ने सीएम राइज स्कूल गोविंदपुरा में जो है उसको लेके सवाल उठाए थे और उसमें ये सवाल पूछा गया था कि क्या शासकीय महात्मा गांधी बीएचएल दरखेड़ा स्कूल में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने वाले छात्रों को 2000 रुपये की फीस देनी पड़ रही है और ये फीस प्रति छात्र के हिसाब से थी। उसके बाद स्कूल शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार ने ये कहा कि शिक्षा व्यवस्था के लिए अंग्रेजी माध्यम के छात्रों से ये फीस ली जा रही है। हालांकि ये जब पूरा मामला तूल पकड़ा उसके बाद जिस विधायक यानी कृष्णा गौर ने जब ये सवाल विधानसभा में लगाया था और आज अब योगी ने उनसे ये सवाल पूछा तो कहीं विवाद बढ़ता देख अपने सवाल से भी नजर आई, सुनिए जरा। हमने तय किया था कि जो पूरे प्रदेश भर से खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए जाते हैं वो सैंपल की जो रिपोर्ट आती है उसमें बहुत समय लगता है। इधर मामला सामने आने के बाद कांग्रेस ने प्रदेश सरकार की नियत और नीति दोनों पर लिए हैं। भोपाल के स्कूलों में अतिथि शिक्षक पढ़ा रहे हैं और उनसे जारी इंग्लिश पढ़ाने की 2000 रुपये, तो यह कौन से सीएम राइज स्कूल हैं कहता है कि उनसे फीस लेके पढ़ाएंगे। इन्होंने तो दावे सरकारी स्कूल के किए थे, दावे बड़े, लेकिन जो स्थिति सामने आ रही वो सीएम राइज स्कूल की पोल खोल के रख। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सियासी मंच से भले ही शिक्षा का अधिकार और सबको गुणवत्ता युक्त शिक्षा का झंडा बुलंद करते हो, लेकिन इस तरह के हिटलरी निर्णय न सिर्फ सीएम बल्कि शिक्षा जगत पर एक बड़ा सवाल उठाते हैं। भोपाल से स्वराज एक्सप्रेस के लिए अतुल शर्मा और कैमरामैन दीपक पाटीदार की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए MP स्वराज।